हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में जो क्लास नाइन्थ का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें आपका कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। क्लास नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्लास इलेवंथ की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्लास इलेवंथ का एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जो कट ऑफ की बात करें उसका सिलेबस क्या है। तो आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका सिलेबस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्लास इलेवंथ में भी थे, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज आपके होंगे और वो 100 एमसीक्यूज आपके 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एक नंबर का एक एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब यहाँ पर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के। वहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो हमारा सिलेबस क्या है, यहाँ पर हमारा इंग्लिश सिलेबस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, जनरल साइंस। तो यहाँ से इतने सारे इन सारे मतलब टॉपिक से जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे जो क्लास एट में आपने पढ़ी होंगी ये सारे, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 100 क्वेश्चंस बनेंगे और 100 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 100 में कितना कट ऑफ जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज़ से रिलेटेड। तो बॉयज़ का कट ऑफ कितना जाता है, अब इसमें दो चीज़ें दी हैं यहाँ पर। एक दिए मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक जाती है और मेन लिस्ट, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये हमारी क्या है, कैटेगरीज हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरीज, एससी कैटेगरीज, यहाँ पर एसटी कैटेगरीज है, पीसी है, बीएचयू एम्प्लॉई एंड जनरल, बीएचयू एम्प्लॉई एंड एससी, बीएचयू एम्प्लॉई एंड एसटी, बीएचयू एम्प्लॉई एंड पीसी। तो यहाँ पर जो पीसी है वो पीसी होगा हमारा फिजिकल चैलेंज, ठीक है। जो आप बोल सकते हो कि जो जिनको प्रॉब्लम होती है या इनका हाथ खराब है या पैर खराब है, तो वो जो हमारी वो पीसी कैटेगरी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो बॉयज़ के केस में हम बात कर रहे हैं। तो बॉयज़ के केस में जनरल कैटेगरी में 69 मार्क्स आपको लाना है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, और वेटिंग जो 58 तक है। इसका मतलब आपको जो है वो अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको 70+ नंबर लेकर आना है आपको अगर सेलेक्ट होना है कन्फर्म। अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 60 के आसपास नंबर लाना है। एसटी को बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा 2-3 नंबर कम। फिजिकल चैलेंज के लिए आप 57 यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जो है वो नंबर कम हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये वेटिंग लिस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 25 नंबर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं। ये वेटिंग लिस्ट है, यहाँ तक वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया गया है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 25, 26, 30 के आसपास होंगे, उनका जो है वो नहीं होता होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए, आप ये वेटिंग वाला छोड़िए, आप इसको कंसिडर करके चलिए कि ये जो मेन इधर वाला है ना, ये आपका मेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन लिस्ट है उसमें जो कट ऑफ गया है वो आपको ध्यान रखना अगर आप बॉयज़ हैं तो। अगर आप देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप बॉयज़ हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो नंबर लाने हैं 70+। मान के चलिए अगर आप 70+ लेकर आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, आपकी कोई भी कैटेगरी हो। अगर आपकी आप स्पेशली कोई कैटेगरी के लिए बात करें, अगर मान लो कि आप एससी के बात करें तो आपको 60 लाना है, ठीक है, और अगर आप एसटी हैं तो आप मान लो कि आपको 55 के आसपास लाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल चैलेंज है तो भी आप मान के चलिए कि 55 के आसपास। बीएचयू एम्प्लॉई और जनरल है तो 33। अगर आप बीएचयू में अगर आपके फादर या फिर कोई भी एम्प्लॉई है ऑलरेडी और आपके फादर या मदर में से, तो वहाँ पर आपको जो है 30 के आसपास नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ ये काफ़ी छूट है ना, तो वो उनका इंटरनल मतलब रिजर्वेशन है ये, तो इसमें तो हम नहीं जाएंगे। हम जनरल कट ऑफ की बात करें तो 70 मान के चलो कि आपको 70 स्कोर ओवरऑल, अगर आपने 70 टारगेट किया तो आपके नंबर जो है वो 70 के आसपास अगर आ गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप टारगेट ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप 70 मान के क्वेश्चन करो कि 70 नंबर लाना है तो आपके 70 नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको हमेशा ज़्यादा कट ऑफ पार मतलब नंबर लाने की कोशिश करना है, 80 नंबर 90 नंबर तक आपको मेहनत करना है। जो टॉपर होते हैं उनके 90+ नंबर भी यहाँ पर आते हैं। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स में भी लगभग सेम ही है। देखिए यहाँ पर जो है वो मेन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, तो ये नंबर वहाँ पर जो है वो इस तरह से दिए थे, यहाँ वेटिंग लिस्ट थी और ये मेन लिस्ट थी और वहाँ पर वेटिंग लिस्ट थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से दिया। अब जनरल कैटेगरी में वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी 69 गया था, है ना, और 62 देखो यहाँ पर दिया है, ये वेटिंग लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर 58 वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है। तो अगर आप 70 के आसपास आप गर्ल्स हैं, जनरल हैं, 70 अगर आप नंबर लिखा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका 62, तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ जो हाईएस्ट 62 या 50, ठीक है। एसटी अगर है, पीसी अगर आप हैं तो 52 यहाँ पर है, बीएचयू एम्प्लॉई तो 35, और यहाँ पर जो आपका है बीएचयू एस
एससी के लिए 33 है, बीएचयू जनरल के लिए आप अगर ध्यान दें 35 आ रहा है, ये वेटिंग लिस्ट 33 है, मेन लिस्ट ये देखिए 25 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बीएचयू पीसी ये हमारा गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 25 के आसपास मान के चलो। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 70 के आसपास नंबर लेके आने हैं। और अगर आप ठीक है पहले हम बात करें कि जनरल, अगर जनरल गर्ल्स हैं आप तो आप 70 प्लस नंबर लाएं तब तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप एससी कैटेगरी, देखिए ये जो कट ऑफ है वो ज़रूरी नहीं कि हर साल यही रहे, कट ऑफ जो वो वेरी करेगा, डिपेंड्स करेगा पेपर के टफनेस पे, पेपर कितना ईजी है पेपर पर डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है। अगर बहुत बहुत टफ होगा, और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाती है हमेशा, लेकिन अगर पेपर टफ होगा तब भी हाई जाएगी। पेपर के टफनेस प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने वहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स उसको जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है वो लगभग इतना ही रहता है हर साल, तो यहाँ पर 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपके जो नंबर है, देखिए यहाँ 69 कट ऑफ गया है और आपके जो है वो 68 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक नंबर से वहाँ बॉर्डर पर लग गए। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ज़्यादा करना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप कोशिश करें कि 70 प्लस नंबर लाएं, मतलब 80 नंबर आपको लाना है तो आप 100% हो जाओगे। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो आप 62 यहाँ दिया तो 60 प्लस लाने की कोशिश करें, हमेशा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप जो है वो 50 प्लस नंबर लेके हैं, एसटी और गर्ल हैं, और जो फिजिकल चैलेंज है उनके लिए आपका यहाँ पर 52 प्लस है, तो आप मान गए 55-50 के आसपास नंबर लाएं। और अगर आप बी एच यू एम्प्लॉय, देखिए यहाँ पर जो है वो बी एच यू एम्प्लॉय का पूरा केस है कैटेगरी वाइज, तो इनका जो है वो लास्ट उसमें देखिए 33, यहाँ पर कितना 33 है या 35, तो आप मान लो अगर आप बी एच यू के एम्प्लॉय अगर आप कैटेगरी है आपकी, तो आप अगर 40 नंबर ले आएंगे 100 में तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्कोर करना है। देखिए अगर आप जनरल में हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो आप 70 प्लस स्कोर करें। अगर आप जो है वो एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप 60 प्लस 65 प्लस स्कोर करें। एसटी कैटेगरी है तो आप 55 प्लस स्कोर करें, 60 के आसपास रखने की कोशिश करें। और आप एम्प्लॉई हैं तो आपको जो है 40 के आसपास स्कोर करना है, जिससे कि आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो थे वो हमारे पूरा कट ऑफ था कि कितना कट ऑफ जाता है। ये जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के हिसाब से हमने जो है वो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था जो बीएचयू की साइट पे ये दे रखा था वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो इस साल भी जो कट ऑफ जो है वो हर साल लगभग इतना ही रहना होता है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, फिर भी आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।